हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में आप लोगों को जो नोट्स देने वाली हूँ उसका नाम है पॉलीएस्टर। बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेटिक पॉलीमर का ये नोट्स है। साथ में आज हमसे देखेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएस्टर, मतलब जो पॉलीएस्टर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम कैसे किन किन मॉलिक्यूल को ऐड करके पॉलीएस्टर का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सिंथेटिक पॉलीमर के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे चैनल में, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का ये नोट स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इसके कौन कौन से क्वालिटी होते हैं, इनमें इसका कौन कौन सा यूज होता है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन मतलब परिचय जो है वो देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, इसमें एस्टर लिंकेज होता है। जब आप आगे आप लोग इसका रिएक्शन देखोगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें जो है वो एस्टर आबंध जो है वो पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ये संघनन बहुलक मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बताया था, मतलब संघनन बहुलीकरण। ये जो पॉलीएस्टर है उसी का एग्जाम्पल है। तो आप लोग ये लिख सकते हो कि ये जो होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो होते हैं। अगर आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का वीडियो देखना चाहते हो तो इसके जस्ट पहले वाला ही वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जो है वो देख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट में एस्टर लिंकेज होता है और दूसरा ये जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। थर्ड आपको ये लिखना है कि अधिक प्रचलित पॉलीएस्टर डेक्रॉन है। कहने का मतलब है कि जो डेक्रॉन है उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है, ये डेक्रॉन भी पॉलीएस्टर ही है। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, धागे मिलाकर इसका उपयोग कपड़े बनाने में जो है वो किया जाता है। कपड़े उद्योग में आप लोगों ने काफी बार पॉलीएस्टर करके सुना होगा, मतलब जैसे कोई भी कपड़े की क्वालिटी इसमें जो है वो पॉलीएस्टर है, इस टाइप से आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो जब हम इस पॉलीएस्टर में धागे मिलाते हैं तो ये जो है वो कपड़ा बनाने में जो है वो इसका यूज किया जाता है, पॉलीएस्टर का यूज। ये हो गया गाइस आपका इंट्रोडक्शन। देन सेकंड, उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि। ये जो पॉलीएस्टर है उसे हम दो प्रकार के मॉलिक्यूल को ऐड करके जो है वो बनाते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के टू मॉलिक्यूल अपने को लेना है, और सेकंड है डाइमेथिल टर्थलेट, इसके जो है वो केवल एक मॉलिक्यूल हमें लेना है। मतलब टोटल यहाँ पे दो प्रकार के मॉलिक्यूल को हमें ऐड करना है और आपस में क्रिया करके ये डाइएथिलीन ग्लाइकोल टर्थलेट जो है वो बनता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को यही लिखना है क्योंकि दो स्टेप में जो है वो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये दो प्रकार के मॉलिक्यूल को जो है वो ऐड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है उसे भी हम आगे देखेंगे। इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। हम लोगों ने एथिलीन ग्लाइकोल के टू मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो है वो यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एथिलीन ग्लाइकोल HOCH2CH2OH, सेम हम लोगों ने इधर भी एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो लिया हुआ है HOCH2CH2OH। इसका रिएक्शन हम डाइमेथिल टर्थलेट के साथ जो है वो कराते हैं एसिड बेस या फिर कैटलिस्ट उत्प्रेरक के जो है वो प्रेजेंस में। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा मेथेनॉल गैस जो है वो रिलीज होता है। कहने का मतलब है कि एथिलीन ग्लाइकोल में एक एच एटम और ये जो डाइमेथिल है वहां से CH3O आपस में जुड़ करके जो है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ये जो है वो मेथेनॉल मतलब CH3OH जो कि मेथेनॉल कहलाता है, गैस के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो गाइस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ही था कि कुछ ना कुछ यहाँ से जो है वो मॉलिक्यूल रिलीज होता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कोई गैस हो। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा CH3OH मेथेनॉल जो है वो यहाँ से रिलीज होगा। सेम इधर भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ से मेथेनॉल गैस जो है वो रिलीज होता है। तो ये जो HCH3O है वो यहाँ से जो है वो निकल जाता है और हमारे पास केवल जो कुछ चीजें बच जाती है उसे हम कहते हैं एक प्रकार का मोनोमर जो कि कहलाता है डाइएथिलीन ग्लाइकोल टर्थलेट। तो हमारे पास अब केवल बच जाता है, सारी चीजों को हमें सेम यहाँ पे लिखना है, केवल ये HCH3O को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे और ये जो CO हमारा बचे रहेगा उसके जगह हम C डबल बॉन्ड O जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं HOCH2CH2O, जैसे कि यहाँ तक हम लोगों ने सेम लिखा हुआ है, फिर जो बीच का हिस्सा है वो हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, बाकी सारा चीज जो है वो सेम रहेगा। यहाँ से भी ये वाला पॉइंट को, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी ये सारी चीजों को जो हम जो है वो टू कॉपी यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, मैं कहूँ तो इसका नोट्स भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। बस यहाँ से आप लोगों को मेथेनॉल गैस को जो है वो यहाँ से रिलीज करना है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है डाइएथिलीन ग्लाइकोल।
ये डाइएथिलीन ग्लाइकॉल टर्थलेट जो कि एक प्रकार का मोनोमर है। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे मोनोमर जो है वो प्राप्त हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को जो मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेप ये कम्प्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप फाइनली कम्प्लीट होता है, हम लोगों ने एथिलीन ग्लाइकॉल के टू मॉलिक्यूल और डाइमेथिल टर्थलेट को आपस में मिला करके ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, तो सेकेंड स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। डाइएथिलीन ग्लाइकॉल के एन मॉलिक्यूल को 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर Sb2O3 की उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल टर्थलेट जो है वो प्राप्त होता है, और यही कहलाता है आप लोगों का पॉलीएस्टर। तो चलिए हम वो जो रिएक्शन है उसे हम देख लें। लास्ट में हमें प्राप्त हुआ था ये इस प्रकार का जो मोनोमर, जब हम वो दो प्रकार के मॉलिक्यूल को मिलाए थे तो हमें लास्ट में मोनोमर प्राप्त हुआ था। तो सेकंड स्टेप में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें एन मोल लेना है, कहने का मतलब है कि हमें बहुत सारे मोनोमर लेना है, मतलब डाइएथिलीन ग्लाइकॉल हमें बहुत सारे मिला करके जो है वो उसे एड करना है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि क्या होता है पॉलीमराइजेशन, जब हम बहुत सारे मोनोमर को आपस में ऐड करते हैं तो हमें जो है वो पॉलीमर प्राप्त होता है। सेम यहीं पे हम यहाँ भी ये करेंगे कि जब हम डाइएथिलीन ग्लाइकॉल को बहुत सारे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल टर्थलेट को आपस में मिलाएंगे तो हमें पॉलीमर मतलब पॉलीएस्टर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बट इसे हम 280 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे Sb2O3 के प्रेजेंस में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पॉलीएस्टर जो है वो प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेक्रॉन, इसे टेरिलिन भी जो है वो कहा जाता है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल टर्थलेट हमें जो है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हो ब्रैकेट में एन करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत सारे मोनोमर को आपस में ऐड करते हैं तो लंबी चेन बनती जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लंबी चेन को ही देखते हैं तो उसे पूरा ना लिखते हुए हम उसे ब्रैकेट में एन लगा देते हैं। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे लंबा चेन प्राप्त हुआ है, और पॉलीमर का तो मतलब ही होता है, बहुलक मतलब ही होता है कि लंबा चेन बनना। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है, फाइनली हमें डेक्रॉन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये है आपका पॉलीएस्टर। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। उपयोग इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहला कपड़ों के निर्माण में, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, कपड़ों के बनाने में पॉलीएस्टर का जो है वो यूज किया जाता है। सेकेंड, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टैप्स बनाने में, माइलर फिल्म बनाने में, प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल बनाने में, ये सारी उपयोग है इस पॉलीएस्टर के। क्या क्या क्वालिटी होते हैं इसमें, इसके रेशे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे हम कपड़े बना सकते हैं इससे। इनमें अपघर्षण या एब्रेशन जो है वो नहीं होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को जो भी फॉर्मेशन आप करोगे। आगे हम देखते हैं, इनसे बने कपड़े में रिंकल फ्री होते हैं, मतलब जो भी सिलवटे जो भी रिंकल्स होते हैं वो इसमें जो है वो नहीं पाए जाते, तो ये काफी अच्छा इसके क्वालिटी है। तो आई होप यू गाइस आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।